हेलो राम राम जी, कैसे हो आप? तो चलिए अब अपना कर लेते हैं कुछ काम। चलिए अब हम सबसे पहले सब्जी से शुरुआत कर लेते हैं। हींग, जीरा, हल्दी, नमक डिब्बों में मैंने कुछ मसाले भर के रखे हैं। हमारे घर के एक सदस्य को टाइफाइड हो गया है, इसलिए मैं तड़का नहीं लगाऊंगी कुछ दिनों के लिए। मैं बगैर तड़के की सब्जी बना रही हूँ। देखते हैं आज कोई खाएगा या ऐसे ही रखी रहेगी। सब्जी में पहले मैंने तेज पत्ता, हींग और मिर्च, बाद में आलू, टमाटर, हल्दी और नमक डाल दिया है। सब्जी को अच्छे से मिला के और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। फिर मैं ढक्कन लगा के पकने दूंगी। आज मेरा काम जल्दी निमट गया है। चलिए अब सिंक में थोड़े से बर्तन पड़े हैं, उनको भी साफ कर लेते हैं। तब तक सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। देखते हैं सब्जी का कलर कैसा आया है। ये देखिए, सब्जी का देखने में कलर तो अच्छा लग रहा है, तो खाने में भी अच्छी ही होगी। अब फ्रूट काट लेते हैं। सेब का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आजकल मार्केट में सेब बहुत ही मीठे आ रहे हैं। ये देखिए, मैंने सेब के साथ साथ छिलके भी उतार लिए हैं। और छिलके उतारने के बाद इसको मैं एक प्लेट में रख के नमक, सॉरी, मसाला छिड़क लूँगी। मेरी खाने की प्लेट तैयार है। बाद में मैंने बूंदी का रायता भी बना लिया था, जो कि वीडियो में नहीं बना पाई। अब बज गए हैं 2, बच्चे आ गए हैं स्कूल से। बच्चों ने थोड़े कपड़े बदले और थोड़ी देर आराम किया, तो 2:30 पौने 3 का टाइम हो गया है। अब मैं बच्चों के लिए बना दूंगी खाना। खाने में बच्चे बोल रहे थे हम रोटी नहीं खाएंगे, हम परांठे खाएंगे। तो प्याज भी काटने में टाइम लगता और आलू भी उबालने में टाइम लगता, तो मैंने बोला कि ये दोनों तो बन नहीं पाएंगे, तुम सिंपल परांठे बनवा लो। अगर मैं आलू और प्याज के परांठे बनाने लग गई तो तुम ट्यूशन से लेट हो जाओगे। बच्चे मेरी बात से सहमत हो गए और बोले कि हम सिंपल परांठे ही खा लेंगे। तो अब मैं बच्चों के लिए सिंपल परांठे बनाने लग गई हूँ। और अब देखा तो डिब्बे में घी भी कम ही था, तो फिर मैंने आज बोल दिया है कि शाम तक घी आ जाएगा। इतने तो घी था ही कि अब बच्चों के लिए परांठे बन के तैयार हो जाएं। आप सब सोचते होंगे कि सब्जी में तो तड़का लगा नहीं रही और बच्चों के लिए परांठे बना रही है। एक मेरी प्यारी सी फ्रेंड ने मेरे को बताया था कि ऐसा मत कर तू कि सब्जी को बगैर तड़के की बनाए। तू ऐसा कर कि जिसको भी टाइफाइड है उसको थोड़ी देर के लिए घर से बाहर भेज दे, या एक जगह से थोड़ी ऊपर या नीचे और कहीं भेज दे। तो फिर तू ये काम कर सकती है, सब्जी भी बना सकती है, तड़के वाली परांठे, जो भी तेरा जी चाहे वो चीज़ तू बना सकती है। फिर मैंने ऐसा ही कहा। फिर मैंने जिसको भी टाइफाइड था मैंने उसको ऊपर भेज दिया थोड़ी देर के लिए कि ऊपर टहल लो। फिर मैंने बच्चों के लिए परांठे बना दिए। फिर इसकी खुशबू सब निकल जाएगी ना, तब वो नीचे आ जाएंगे, तो इससे बीमार आदमी को भी हानि नहीं होगी। इधर मैंने सबके लिए परांठे बना दिए हैं और बच्चों ने साथ साथ गर्म गर्म परांठे खा लिए हैं। जब भी बच्चे स्कूल से घर आते हैं, मैं कभी भी बच्चों को सुबह का खाना नहीं देती। मैं बच्चों को हमेशा गर्म ही खाना बना के देती हूँ। बच्चों ने खाना खा लिया है और मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं कर लूँगी रसोई की सफाई। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा हल्का गीला कपड़ा ले लिया है। सुबह मैंने किचन को अच्छे से साफ कर दिया था और अब मैं करूँगी थोड़ा सा गीला कपड़ा लेके सारे से उसकी गीले कपड़े से सफाई। देखिए, मैंने अपनी किचन को दोबारा से अच्छे से साफ कर लिया है। सुबह मैं किचन को सर्फ डाल के स्लैब को अच्छे से साफ कर लेती हूँ। अब मैंने बच्चों को खाना खिला दिया है। मेरा किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जैसे मैंने स्लैब पे खाना बनाया था, थोड़ा बहुत आटा वगैरह नीचे गिरा हो, बच्चों ने कुछ खाया हो उसका थोड़ा बहुत गिरा हो, मैं इसलिए मैं दोबारा से झाड़ू लगा लूँगी और अपनी किचन को साफ रखूँगी। ये देखिए, मैंने अमेजोन से बेड शीट विद कुशन कवर ऑर्डर किए थे, वो मेरे आ गए हैं। देखिए आपको देखने में कैसे लगेंगे, मैं आपको एक एक करके पूरा सेट आपको दिखाऊंगी। देखिए, ये तो मैंने बिछाने से पहले ही आपको पूरा सेट एक एक करके दिखा दिया है। अब जो मैंने ये बेड शीट बिछा रखी है, इसको मैं हटा दूंगी
और इस जो नई वाली है इसको मैं बिछाऊंगी। आप देखना पहले वाली अच्छी लग रही थी या ये मैंने अब मंगाई है ये बाद वाली अच्छी लग रही है। ये देखिए अब मैंने सारे कुशन कवर एक एक करके हटा लिए हैं और इस बेड शीट को मैं तुरंत अभी हटा देती हूँ। ये देखिए अब मैं नई ले आई हूँ, इसको बिछा रही हूँ। कलर भी दोनों बेड शीट का सेम ही लग रहा है, लेकिन जो ये मैंने नई वाली मंगाई है इसका दोनों तरफ से डिज़ाइन है, जो सा जी चाहे उस तरफ से बिछा सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसकी लंबाई तो ठीक है, बेड से के हिसाब से इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है। अब मैं यहाँ पर बैठकर पुराने वाले कुशन कवर निकाल के नए वाले डाल दूँगी। ये देखिए पहले वाली बेड शीट अच्छी लग रही थी या ये वाली, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।